गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम लोग रत्नचंद्र शर्मा की लिखी कहानी राष्ट्र की मर्यादा पढ़ रहे थे। इस कहानी में अभी तक हम लोग पढ़े कि सेनापति छल कपट से गांधार और सारे राज्यों को जीतकर अपने वश में कर ले रहा, अपने अधीन कर ले रहा है, कर लिया। अब वो भारत को भी जीतकर अपने अधीन करना चाहता है और इधर सामंत युद्ध को टालना चाह रहे हैं, युद्ध को टालकर नरसंहार से बचना चाह रहे हैं। महाराजा कोरस भी इससे सहमत है। अब सब बैठकर बातें कर रहे हैं, इतने में द्वारपाल आता है और बोलता है कोई दूत आपसे मिलना चाहते हैं। आइए देखते हैं इस कहानी का आगे का भाग। अमाती, उसे कहो कल दरबार में उपस्थित हूँ। तो द्वारपाल कहता है, मैंने तो उससे कहा है, परंतु वह कहता है कि मुझे अभी मिलना है और संदेश लेकर वापस जाना है, बहुत आवश्यक संदेश है। कोरस, अच्छा अंदर भेज दो। द्वारपाल सिकंदर के राजदूत के साथ प्रवेश करता है। सिकंदर का राजदूत एक ऊंचा लंबा गोरा बलिष्ठ युवक है। वह यूनानी सैनिकों जैसे वस्त्र पहने हुए हैं। अंदर आते ही वह यूनानी ढंग से महाराज कोरस का अभिवादन करता है। कोरस कहते हैं एक रिक्त आसन की ओर संकेत करते हुए, बैठिए। दो निर्दिष्ट आसन पर बैठ जाता है, निर्दिष्ट अर्थात बताए हुए स्थान पर बैठ जाता है। महाराज कोरस गंभीरता पूर्वक उसके मुख की ओर देखते हैं। दूत, सिकंदर महान आपसे मित्रता के इच्छुक हैं। तो कोरस कहता है, यह तो मेरा और राष्ट्र का अहोभाग्य है, जिसे सिकंदर महान जैसे मित्र मिले उसे और क्या चाहिए। दूत, इसलिए उन्होंने मुझे सेवा में भेजा है। उनका आग्रह, आग्रह अर्थात प्रार्थना है कि आप उनकी मित्रता के हाथ को स्वीकार करें, उसे पीछे हटने के लिए बाध्य न करें, बाध्य अर्थात मजबूर। कोरस कहता है, तो इसे विजेता सिकंदर की मित्रता का आग्रह माना जाए या उनकी राजसी आदेश। तो दूत कहता है, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। कोरस दूत के मुख को देखते हुए, जब दूत ऐसे बोलता है कि आपकी इच्छा पर निर्भर है, तो दूत उसके चेहरे को देखते हैं। हम विजेता सिकंदर के आभारी हैं, परंतु मित्रता तो प्रेम के आदान प्रदान से होती है, आग्रह या आदेश से नहीं। तो दूत कहता है, परंतु मैं आपको सुझाव दूंगा कि उनकी मित्रता को स्वीकार करें, चाहे जैसे भी हो। कोरस कहता है, नम्र परंतु दृढ़, वह नम्र रहता है लेकिन दृढ़ शब्दों में, कड़े शब्दों में कहता है, अटल शब्दों में कहता है, आप अपना सुझाव न दीजिए, अपने स्वामी का संदेश कहिए। दूत, वही तो कह रहा हूँ। तो कोरस कह रहा है, अच्छा यह कहिए कि आपके स्वामी इस मित्रता के उपलक्ष्य में हमसे क्या आशा रखते हैं। दूत कहता है, कुछ अधिक नहीं, वे केवल यह चाहते हैं कि आप उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दे दें। वे भारत विजय के लिए यहाँ आए हैं और इसलिए मगध साम्राज्य पर आक्रमण अर्थात हमला करके उसे जीतना और भारतवर्ष को अपने अधीन करना चाहते हैं। इससे आप महान विजेता सिकंदर के विश्वसनीय मित्र तथा विशेष कृपा पात्र बन जाएंगे। इन सभी बातों को सुनकर फिर कोरस कहता है, और यदि हम आपके स्वामी की मित्रता को अस्वीकार करें तो? तो दूत कहता है आश्चर्य से महाराज की ओर देखता हुआ। जब ऐसे कोरस जब कहता है तो उसका चेहरा वो आश्चर्य की तरह से देखता है और उनके चेहरे को देखते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। कोरस, क्यों नहीं हो सकता? तो दूत कहता है, तो आपको सिकंदर महान का कोप भाजन बनना पड़ेगा, आप उनकी शक्ति को नहीं जानते, उन्होंने संसार के कितने ही बड़े बड़े राज्यों को नष्ट कर दिया है, वही दशा आपके राज्य की भी होगी। तो कोरस कहता है, तो आप हमारी ओर से अपने विजेता स्वामी से कह दें कि हमें उनकी मित्रता की शर्त स्वीकार नहीं है, हम देश के साथ द्रोह नहीं कर सकते, मातृभूमि भारत को विदेशियों से पद दलित होते हुए नहीं देख सकते, अपने राष्ट्र को ऋषियों और देवताओं की भूमि को धोखा नहीं दे सकते, हम उनकी भूख शांत नहीं कर सकते। दो विस्मित मुद्रा अर्थात हाव भाव, चेहरे का एक्सप्रेशन, विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित। तो दो जो है आश्चर्य से भाव से उसके चेहरे को देखता है और कहता है, भूख? तो कोरस कह रहा है, हाँ
उसकी लूटमार की भूख, अधिक अधिक स्वर्ण तथा मणिमाणिक्य पाने की भूख। तो दूत गंभीरता से गंभीर हो गया और कहता है, तो आप महान विजेता सिकंदर को चुनौती दे रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। पोरस कह रहे हैं, देखिए चुनौती हमारी ओर से नहीं है, वह आपके स्वामी की ओर से है। हाँ, युद्ध हमें स्वीकार है, हम राजद्रोही नहीं बन सकते। अमात्य को पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहते हैं। अमात्य संकेत पाकर जाता है। फिर दूध, अच्छा तो मैं चलता हूँ। तो फिर पोरस कहता है, अभी थोड़ा रुकिए, मध्यान्ह काल हो गया है। मध्यान्ह अर्थात दोपहर के बाद का समय हो गया है, भोजन का समय है, भारतीय अतिथि को भूखा नहीं भेजते। दूध, आभारी हूँ। महाराज पोरस की संकेत पाकर सभी उठते हैं। धन्यवाद।